आगे बढ़ते हुए एक बड़ी जानकारी दिल्ली से मिल रही है, जहां कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने बयान दिया है। दरअसल कांग्रेस उत्तर भारत में वापसी कर रही है, दीपेंद्र हुड्डा ने कहा है। आगे उन्होंने बयान देते हुए कहा कि लोग हरियाणा में कांग्रेस को भारी बहुमत से चुन रहे हैं, एग्जिट पोल ने हमें दिशा दी है, ये दीपेंद्र हुड्डा ने कहा है। आगे उन्होंने कहा कि बीजेपी के कुशासन का अंत किया जा रहा है, ये दीपेंद्र हुड्डा ने कहा है। तो दीपेंद्र हुड्डा अपनी सरकार बनने का दावा फिर से कर रहे हैं, यानी कांग्रेस की वापसी की बात उन्होंने फिर से की है। कांग्रेस पार्टी और हमें विश्वास है कि हरियाणा में बड़े बहुमत के साथ लोगों ने कांग्रेस पार्टी को चुना है, भाजपा के 10 साल के कुशासन का अंत किया है, और जो जिस प्रकार से हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने, राहुल जी ने जिस तरीके से मेहनत करी पूरे देश में और हरियाणा में भारत जोड़ो यात्रा के आए, उसी दिन हरियाणा में माहौल बनना लग गया था कांग्रेस पार्टी का, और कांग्रेस पार्टी बड़े बड़े भारी बहुमत से आपको जब नतीजे आएंगे तब आप भी देखना, और ये जो एग्जिट पोल है इन्होंने भी एक दिशा आपको दिखाई दी है, जब नतीजे आएंगे तो आपको पता चलेगा बड़े भारी बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनी। ये कॉन्फिडेंस बीजेपी की ट्रेनिंग से आता है, बीजेपी की इस प्रकार की ट्रेनिंग है कि कोई जो है बड़े से बड़ा कोई झूठ बोले मगर बोले आत्मविश्वास के साथ। बीजेपी के तमाम नेता इस लाइन, नायब सिंह जी थोड़ी चिंता करें अपनी लाडवा विधानसभा की, लाडवा में भी कांग्रेस जीत रही है। तो देखिए ये हमारी प्रक्रिया रहती है, कांग्रेस पार्टी की एक अपनी प्रणाली प्रक्रिया है, दशकों से जो चली आ रही है उसी के अनुसार कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व जो फैसले लेता है। तो ये पहले हमारा जो लक्ष्य था वो लक्ष्य कोई पद नहीं था किसी का, हमारा लक्ष्य था केवल बदलाव लाना, कांग्रेस की सरकार लाना। राहुल जी ने जो मेहनत करी थी और जिस ईमानदारी और सच्चाई से उन्होंने लड़ाई पूरे देश में लड़कर एक देश में माहौल बनाया कांग्रेस पार्टी के पक्ष में, हरियाणा की में कांग्रेस की सरकार बनेगी पूरे उत्तर भारत में, उसका एक संदेश जाएगा, वो हमारा लक्ष्य, हम विश्वास के साथ हमें पूर्ण भरोसा है कि वो लक्ष्य हमारा प्राप्त होगा और कांग्रेस की सरकार बनेगी और राहुल जी के हाथ हरियाणा मजबूत करेगा। देखिए कर रही है कमबैक कांग्रेस पार्टी और हमें विश्वास। आगे बढ़ लेते हैं, एक और अहम जानकारी, बड़ी खबर आप तक।